नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल स्टॉक शो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बताएंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बताएं उससे पहले आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को बताते हैं। दोस्तों मल्टीपल इनहेरिटेंस में कोई एक क्लास किन्हीं भी नंबर ऑफ क्लासेस को इनहेरिट कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्राइव क्लास नंबर ऑफ बेस क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, उनकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्लासेस को ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए दोस्तों अब हम अपने प्रोग्राम पर चलते हैं। दोस्तों ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हमने पाइचार्ट पे बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं। पहली क्लास का नाम 1 है, दूसरी क्लास का नाम 2 है और यहाँ पर हमने तीसरी क्लास जिसका नाम 3 है वो बनाई हुई है। दोस्तों यहाँ पर क्लास 1 की डेफिनेशन हमने दी हुई है, यहाँ पर क्लास 1 की बॉडी दी हुई है, यहाँ पर क्लास 2 की बॉडी को हमने लिखा हुआ है और यहाँ पर क्लास 3 की बॉडी को हमने लिखा हुआ है, जो कि क्लास 3 1 और 2 की क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है। यानी कि क्लास 3 में हम क्लास 1 और क्लास 2 दोनों के फंक्शंस को, उसकी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्लास 1 में हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ डेटा मेंबर्स दिए हुए हैं जिनके नाम ए और बी हैं, जिनमें हमने वैल्यू असाइन की हुई है, सम फंक्शन का यूज किया हुआ है और सेल्फ जो कि रेफरेंस वेरिएबल है, इस वेरिएबल की हेल्प से हमने दोनों के दोनों मेंबर्स को, ए और बी मेंबर्स को हमने यहाँ पर एड कर उसकी वैल्यू को हमने सी में असाइन किया हुआ है और सी को फिर हमने बाद में प्रिंट किया हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों क्लास 2 में भी हमने दो क्लास मेंबर्स लिए हुए हैं जिनके नाम पी और क्यू हैं, उनमें वैल्यूज असाइन की हुई हैं और क्लास रेफरेंस वेरिएबल सेल्फ की हेल्प से हमने इन दोनों ही क्लास मेंबर्स को यूज कर इनके बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाया हुआ है और जिसकी वैल्यू हमने आर में असाइन की हुई है और यहाँ पर हमने आर की वैल्यू को भी प्रिंट किया हुआ है। दोस्तों अब हम आपको क्लास 3 के बारे में बताते हैं। क्लास 3 जो कि 1 और 2 दोनों ही क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, यहाँ पर इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका सिंटैक्स किस तरीके से लिखा जाएगा और इसके अंदर भी यहाँ पर दो क्लास मेंबर्स हमने यूज किए हुए हैं जो कि एस और टी हैं, जिनके अंदर हमने वैल्यूज असाइन की हुई हैं और यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया हुआ है जो कि प्रोडक्ट है, जो कि इन दोनों ही क्लास मेंबर्स का प्रोडक्ट परफॉर्म करवाएगा। यहाँ पर सेल्फ रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हमने एस और टी दोनों ही क्लास मेंबर्स को यूज करके प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाया हुआ है, जिसका रिजल्टेंट हमने आर में स्टोर किया हुआ है और आर की वैल्यू को फिर हमने बाद में प्रिंट किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमने क्लास 3 जो कि आपकी ड्राइव क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसका नाम हमने टी दिया हुआ है। अब इस टी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने क्लास 2 और क्लास 1 इन दोनों की क्लासेस के फंक्शंस को हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है और फिर बाद में हमने टी ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हमने जो ड्राइव क्लास है हमारी 3 उसके फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है। तो दोस्तों ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है जिसमें क्लास 3 1 और 2 दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है ये दोनों क्लासेस के फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है और साथ के साथ अपनी ड्राइव क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस करेगा। दोस्तों अब हम आपको इसको रन करा कर दिखाते हैं। रन कराने के बाद में इसका जो आउटपुट आएगा वो हम आपको दिखाते हैं कि इसको रन कराने के बाद में इसका क्या आउटपुट जनरेट होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट जनरेट हो चुका है, क्योंकि पहला फंक्शन हमारा सब फंक्शन है जो कि क्लास 2 का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो पहला आउटपुट जो आपको मिल रहा है जिसमें फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, जिसमें दोनों वेरिएबल्स के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाकर उसका आउटपुट दिया हुआ है। दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पे क्लास 1 के फंक्शन सम को कॉल किया हुआ था, तो यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सम ऑपरेशन होने के बाद में उसका आउटपुट जनरेट हो रहा है। और जो थर्ड ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा था जिसमें हमने प्रोडक्ट को कॉल किया हुआ था, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में उसका आउटपुट जनरेट होकर उसका आउटपुट हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।